हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द केपीके क्लैशर। तो कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ सब फ्रेंड खैरियत से होंगे। तो आप सबको पता होगा कि आज पबजी मोबाइल का न्यू अपडेट 0.13 जो है वो आने वाला है, वो जो है प्ले स्टोर में आएगा। तो बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका अपडेट आ गया होगा, लेकिन बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जिनको अभी तक अपडेट नहीं मिला होगा। तो उनको आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह बहुत ही जल्दी प्ले स्टोर के अलावा आप इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसको अपडेट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है न्यू थीम पीछे लगी हुई है, और यहाँ पर जो शॉप वगैरह में जाते हैं तो यहाँ पर जो है कुछ न्यू इमोट्स क्लास वगैरह जो है गॉडज़िला के आए हुए हैं। तो ये सब जो है आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इस अपडेट में जो है बहुत सारी न्यू चीज़ें आई हैं। इतनी न्यू चीज़ आई हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेन अगर मैं करूँगा तो ये वीडियो जो है बहुत ही लंबी हो जाएंगी। तो मैं आपको सिंपली बताऊँगा कि आप किस तरह जो है इसको जो है आप अपडेट कर सकते हैं। तो इसके अपडेट करने के लिए सिंपली आपने करना क्या है, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड किया, टैप टैप, इसका नाम है टैप टैप। ये मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा, और इसको आप जैसे ही ओपन कर लेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारी जो है यहाँ पर गेम्स वगैरह मिलती हैं। और जो भी पबजी के रिलेटेड या किसी भी गेम के रिलेटेड न्यू अपडेट आती है तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मिल जाती है। तो यहाँ पर आपने सर्च का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा राइट साइड में, और यहाँ पर आपने सिंपली सर्च करना है पबजी मोबाइल। तो आप जैसे ही पबजी मोबाइल सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पर जो है पबजी मोबाइल के जो गेम्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो आपने क्या करना है, ये जो पहले वाली गेम है जहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे लिखा होगा इंस्टॉल्ड, ये छोटा सा इंस्टॉल लिखा हुआ है, तो आपने इसी को ओपन कर लेना है। और आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो है नीचे आप देख सकते हैं फॉलो के साथ जो है ओपन का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर आपका अपडेट का बटन आएगा, सिंपली आप यहाँ पर नीचे जाके देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए वर्ज़न जो है 0.13.0 है, और इसकी जो साइज़ है वो है 1.95 GB की। तो लगभग जो है तकरीबन 2 GB की अपडेट है। तो आप जैसे ही इसको जो है अपडेट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अपडेट डिटेल्स भी इन्होंने दी हुई है। यहाँ पर जो है चाइनीज़ लैंग्वेज में इन्होंने अपडेट दी हुई है, क्योंकि ये जो प्ले स्टोर की तरह ये जो ऐप स्टोर है ये चाइनीज़ है, तो सभी डिटेल जो है ये चाइनीज़ में लिखी हुई होती है यहाँ पर। तो आपने सिंपली यहाँ से अपडेट कर लेना है। अपडेट कर लेने के बाद जो है आपने गेम को ओपन कर लेना है, और आपकी जो गेम है वो न्यू वर्जन में जो है वो अपडेट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं किसी फ्रेंड अगर कोई ऑनलाइन है तो मैं इनवाइट करके देखता हूँ, उसको जो है मेरी इनविटेशन नहीं जाती है क्योंकि उन्होंने अभी तक अपडेट ही नहीं की हुई है, और मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले ये जो गेम है वो अपडेट कर ली है। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो इसी तरह की न्यू वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।